हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक जीपीएस है जिसका नाम वैसे ET-300 है रियल में, और लोग अपने नाम से बेचते हैं, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है। तो इसलिए मैं आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ आपकी रेफरेंस के लिए। ये देखिए, ये फ़ोटो है इसका, ये इस तरीके से दिखती है। काफ़ी छोटी डिवाइस होती है, आपका जो इग्निशन का लाइटर होता है, जो जलाने वाला लाइटर होता है, उसके साइज़ की होती है डिवाइस। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं इसमें बताना चाहूँगा कि जियो की सिम वर्क नहीं करती है, जियो की सिम वर्क नहीं करती है इसमें। और आपको इसमें एक सिम डालनी होगी, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, कोई सी भी। उसके अंदर इसका जो मंथली कंजप्शन होता है 100 MB से ऊपर नहीं होता है, उससे ऊपर नहीं जाता है। तो आप एक छोटा सा रिचार्ज करा दीजिए। वैसे एयरटेल में तो फ़िलहाल जो है 29 का रिचार्ज होता है, जिसमें आपको 150 MB मिल जाते हैं, तो वो सफिशियंट है। और एक मैसेज का रिचार्ज करा लीजिए, ताकि जो भी आप मैसेज करें, जो भी कमांड भेजें, उसका रिप्लाई आपको मिल सके कि वो ठीक है या नहीं है। और एक चीज़ मैं सबसे पहले बता दूँ आपको, आपको ये सारी सेटिंग करने के बाद, सब कुछ करने के बाद, आपको अपनी गाड़ी मूवमेंट करानी होगी, मतलब कि 100-200 मीटर चलानी होगी, उसी के बाद ये लोकेशन देगी। इसमें सबसे ज़रूरी और सबसे पहली कमांड है आईपी और पोर्ट सेट करने की। तो दोस्तों, ये देख लीजिए, ये कमांड सबसे पहले आप भेजेंगे। ये कमांड मैं आपको रीड कर देता हूँ, #4x#IP#79.143.177.249#10202#। आप इस तरीके से देखिए, मेरा कर्सर पे ध्यान रखिए, ये आपने कमांड भेजी, इस तरीके से आपका ओके रिप्लाई आ जाएगा, मतलब हो गया, ठीक हो गया। सेकेंड कमांड है आपकी APN सेट करने की, APN सेट करने की। और APN जो है आपका, जैसे अगर आप आइडिया की सिम डालते हैं, जो मैंने आइडिया की डाली हुई है, तो आपको APN की कमांड ये भेजनी है, क्योंकि आइडिया का APN इंटरनेट होता है। अगर आप एयरटेल डालते हैं तो आपको ये कमांड भेजनी है, एयरटेल का APN airtelgprs.com होता है। अगर आप वोडाफोन की यूज़ कर रहे हैं तो आपको #4x#SAPN#www5x#5x# ध्यान रखिए, इसका जो वोडाफोन का APN है www है, इसलिए आपको ये कमांड भेजनी है। तो आप देख लीजिए, इस तरीके से ये मैंने कमांड भेजी, इसका सेट APN=1 ओके आ गया, मतलब ये भी ठीक हो गया हमारा। इसके बाद आप APN और IP सेट हुआ है ढंग से नहीं हुआ है, आप इसको चेक कर सकते हैं। इसको चेक करने का तरीका है, परम हैश भेज सकते हैं, देखिए मैंने परम हैश भेजा है। और इस डिवाइस के अंदर आप सेम कमांड वर्क करेगी आपकी, स्टेटस हैश पे भी आपको यही रिप्लाई आएगा। कर्सर देखिए, परम हैश भेजा, ये रिप्लाई आया। स्टेटस हैश भेजेंगे तो भी यही रिप्लाई आएगा, CS भेजेंगे तो भी यही रिप्लाई आएगा। तो मतलब आप इन तीनों में से कोई सी कमांड चूज़ कर सकते हैं भेजने के लिए। एक कमांड भेज दीजिए, आपको रिप्लाई आ जाएगा। रिप्लाई के अंदर आपको IMEI नंबर मिलेगा, और आपको जो IP आपने भी सेट करी है वो 10202, देख लीजिए यहाँ पर, ये IP आपने सेट करी थी वो यहाँ पे आ गई है। इसके बाद पोर्ट है यहाँ पे आ गया है, ये मतलब कि हमारा सब कुछ सेट हो गया है। इसमें AD1 और AD2 लास्ट में देख रहे हैं आप, ठीक है। ये AD1 मतलब कि Admin 1 Admin 2 है, अभी कोई नंबर सेट नहीं है हमारा, इसमें हम नंबर सेट करेंगे। अब इसके बाद एक कमांड आती है आपकी एडमिन सेट करने की, मतलब कि एडमिन, हम इसलिए एडमिन सेट कमांड करने की, ये कमांड है। और हम एडमिन इसलिए सेट करते हैं ताकि हम अपनी गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकें। अगर आप इसमें एडमिन सेट नहीं करेंगे तो आप इसको लॉक अनलॉक नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, आप इसमें 2 एडमिन सेट कर सकते हैं अपने, कोई भी 2 नंबर, #4x#AAD#1#फ़ोन नंबर, अपना फ़ोन नंबर डालिए, फिर हैश, और आप भेज दीजिए। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, सॉरी मैंने ये अभी सेट नहीं करा है, मैंने इसे सेट नहीं किया था, क्योंकि फिर डिवाइस में इसको रीसेट करना थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैंने किया नहीं था। तो आप देख लीजिए, आप ये भेज सकते हैं, आपका एडमिन सेट हो जाएगा। आप दूसरा फ़ोन नंबर सेट कर सकते हैं, सेम कमांड है, सिर्फ यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। और आपका दूसरा फ़ोन नंबर आप इसको भेज सकते हैं, और आप इसको भेज सकते हैं, और आप उसके बाद आप एडमिन बन जाएंगे डिवाइस के। और फिर से चाहें तो आप परम हैश देख के चेक कर ले सकते हैं, इसमें AD1 की बात जो है, आपका नंबर आ जाएगा, AD2 के बाद दूसरा नंबर आ जाएगा। अब आ जाइए कि इस डिवाइस को ऑन ऑफ करने के लिए हमें, ठीक है, आपके अगर कनेक्शन ठीक है तो ऑन ऑफ होगी। मैं पहले भी काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ, आप उन्हें देख सकते हैं। गाड़ी को बंद करना चाहते हैं तो आपको ये कमांड भेजनी है, और इसका एक ऑप्शन भी है, आप DY भी भेज सकते हैं। दोनों में सेम फंक्शनिंग होगी, मतलब दोनों आपकी जो कमांड है सेम काम करेंगी। तो मैं DY भेजा है, ठीक है। और रिस्टार्ट करने के लिए आपको KY भेजना है, और OF#4x#OF# भेजना है। देखिए, DY KY दोनों भेजा है, ऑफ और ऑन दोनों ही भेजा है। नो राइट टू ऑपरेट फेल, क्योंकि मैंने एडमिन सेट नहीं किया अपना, इसलिए नो राइट आ गया मेरे को, मतलब कि मैं नहीं कर सकता इसको बंद। अब आगे बढ़ते हैं।
अब आगे एक इसकी कमांड है, जैसे आप मान लीजिए मतलब के लोकेशन पे मैसेज लेना चाहते हैं, आपकी डिवाइस कहीं रिमोट एरिया में है, वहाँ पे टावर नहीं आ रहे हैं, तो आप लोकेशन मैसेज पे भी ले सकते हैं। मैसेज पे लोकेशन लेने का तरीका है, आपको 1234 लिख के भेज देना है। ये देखिए मैंने, ये कर्सर देखिए मैंने भेजा है, इसमें ये रिप्लाई आ गया है। इसके अंदर आपका ये गूगल मैप का लिंक आ गया, इस पर आप एंड्रॉयड पे क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको गूगल मैप पे ले जाएगा, वहाँ पे आप इसकी लोकेशन चेक कर सकते हैं। उसके बाद एक कमांड और है, आपने जो है, आप चाहते हैं कि मेरी जो खड़ी गाड़ी है वो मतलब कि 10 सेकंड पे लोकेशन दे, तो उसकी कमांड ये है #4x6#SMT#seconds मतलब 10 सेकंड कर लीजिए इसको। मैंने देखिए ये कर्सर देखिए मेरा, ये मैंने कमांड भेजी, 10 सेकंड्स करा हुआ है। अब दूसरी कमांड आती है जैसे आपकी गाड़ी का, गाड़ी बंद खड़ी है, अगर गाड़ी बंद खड़ी है तो जीपीसी कोई ज़रूरत नहीं है अननेसेसरी, तो इसलिए दूसरी कमांड है हमारी #4x6#SST#minutes। दोस्तों यहाँ पे आप सेकंड्स मतलब कि यहाँ पे अगर आप इस कमांड को भेजेंगे तो आप यहाँ पे सेकंड्स भेजने हैं, मतलब 10 सेकंड 20 सेकंड जैसे भी आप चाहते हैं। अगर आप गाड़ी बंद खड़ी है आपकी तो आपको मिनट ही भेजने पड़ेंगे, मतलब गाड़ी बंद खड़ी है तो मिनिमम एक मिनट, देख लीजिए मैंने एक मिनट पे सेट किया है इसको, मिनिमम एक मिनट पे बिल्कुल हर एक मिनट पे लोकेशन देंगे। ये चीज़ आप यहाँ तक समझ चुके हैं। आगे बता देता हूँ मैं, जैसे मान लीजिए आपका ये सारी फंक्शनिंग कंप्लीट हो जाती है, आप सेटिंग कंप्लीट कर लेते हो, तो एक बार आप रिस्टार्ट कर लीजिए डिवाइस को। रिस्टार्ट करने का कमांड है #4x6#reset#, और इसका एक और कमांड है, सेम कमांड है, सेम वर्क करेगी, CQ। मैंने देखिए CQ भेजी है, स्टार्ट टू रीसेट सिस्टम आ गया, ओके, मतलब सिस्टम मेरा रिस्टार्ट हो गया है। और कभी कभी क्या होता है, इसके अंदर वाइब्रेशन अलार्म ऑन होते हैं अंदर से, तो काफ़ी इरिटेटिंग से हो जाते हैं, बार बार मैसेज भेजते हैं, आपके सारा बैलेंस खा जाएंगे वो, तो उसको कैंसिल करने का तरीका ये #4x6#CSA# भेज दीजिए आप, वो कैंसिल वाइब्रेशन अलार्म का कैंसिल हो जाएगा। और मान लीजिए दोस्तों कि आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है सेटिंग में, मतलब कि एडमिन आपसे जो आप यहाँ पे एडमिन सेट करते हैं, एक कोई डिजिट गलत हो जाती है, किसी और का नंबर सेट हो जाता है, तो ये डिवाइस में मतलब कि काफ़ी आपके लिए यूज़लेस हो जाएगी, आप गाड़ी को बंद चालू नहीं कर सकते, तो उसके लिए एक ऑप्शन है हमारे पास। हम क्या करेंगे, हम #4x6#factory# भेज देंगे, ठीक है, इफ़ एनी मिस्टेक, अगर कोई गलती हो जाती है तो वापसी हमारा जो है मतलब के रीसेट हो जाएगी कम्प्लीटली, फिर दोबारा हमें शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा अपना पूरी प्रोसीजर। और दोस्तों मान लीजिए आपकी डिवाइस पुरानी हो गई है, ये लेबल पे आप पढ़ नहीं पा रहे हैं IMEI नंबर, ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आपको, आपको क्या करना है, पहले तो परम हैश भेजेंगे तो ये आ जाएगा आपका, स्टेटस हैश भेज सकते हैं, CS भेज सकते हैं, यहाँ से आप IMEI नंबर कॉपी करके लिख सकते हैं, ठीक है, और IMEI नंबर इसके ऊपर तो होता ही है। अब चलते हैं दूसरों सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप है हमारा कि आप हमारे सर्वर पे इसको एप्लीकेशन पे और सर्वर पे रेगुलर मूव करते हुए कैसे देख सकते हैं मैप के ऊपर। उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पे जाएंगे, अपना क्रोम खोलेंगे, यहाँ पे 99gpslogin.com खोलेंगे, ये आ जाएगा विंडो, इसके अंदर पहले अपनी ID क्रिएट करेंगे, अकाउंट क्रिएट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट अकाउंट, यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, यहाँ पे ये कोड डालेंगे, इसको रजिस्टर कर देंगे, ठीक है, मैं एक्चुअली ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ इस पे, इसलिए मैं कर नहीं रहा हूँ, इस पे आप रजिस्टर्ड कर देंगे। उसके बाद क्या है, आपकी ईमेल आईडी पे कोड आएगा, तो आपको क्या करना है, पहले लॉगिन करना है, यूजर नेम में आप अपने जो अपनी ईमेल आईडी डाली थी वो डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, पासवर्ड में डालेंगे जो आपके ऊपर कोड आया है, वो पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे, इसको लॉगिन कर लेंगे, आपका ये लॉगिन हो जाएगा। देखिए दोस्तों इस तरीके से आपका लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अभी यहाँ पे कोई व्हीकल, ये देखिए ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, आप मैंने आपको बताया था अभी IMEI नंबर इसमें पहले आई, आप IMEI नंबर, मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे ये रॉकेट का साइन बना हुआ आ रहा है, एरो, एड ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, मैं अपनी व्हीकल को नाम दे देता हूँ बाइक, IMEI नंबर में कंप्लीट IMEI नंबर डालूंगा मैं। उसके बाद आपको ये टाइप कर लीजिए जैसे आपकी इच्छा है, इसके बाद मैं इसको सेव कर लूँगा, यहाँ से सेव करते देखिए आ गया मेरा ये, ठीक है, अब ये मतलब कि 2-4 मिनट में जैसे ही आप इसको मूव कराएंगे, मैं आपको यहाँ बता चुका हूँ, जैसे ही आप इसको मूव कराएंगे, लोकेशन ऑन मूवमेंट मूव कराएंगे, ये लोकेशन आ जाएगी, मैं मूव करा देता हूँ, ये देखिए दोस्तों मेरी ये मूव कराते ही ऑनलाइन आ चुकी है, अब ये मेरी यहाँ पे खड़ी है बाइक, यहाँ पे मैं अपना सारा डिटेल चेक कर सकता हूँ। अब इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप आता है आपका,
ये ऑनलाइन आ चुकी है, अब हमारा ये काम कंप्लीट हो चुका है। अब इसके अंदर काफ़ी सारी सेटिंग्स होती हैं, वो हमारी और वीडियोस हैं, क्योंकि अगर मैं उसमें ये बताऊंगा आपको इसी वीडियो में तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा, बहुत लेंथी वीडियो जाएगी, इसलिए वो वीडियोस देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब पे चैनल है टेक्नोटेक जीपीएस, आप देख ही रहे हैं वैसे तो, सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर कैसे इसको लगाना है ये देख लीजिए, किस तरह इसको आप लगा सकते हैं ये देखिए, किसी पर्टिकुलर एरिया से बाहर जाए या अंदर आए तो आप इस वीडियो को देख के सेट कर सकते हैं वो चीज़, और भी बहुत सारी सेटिंग आप इसमें देख सकते हैं दोस्तों। इसके अंदर आप जब भी आपकी गाड़ी बंद होगी, जब भी चालू होगी, तो आपके वो एप्लीकेशन के ऊपर नोटिफिकेशन आएगा, और हमारी ये एप्लीकेशन है, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी एप्लीकेशन 99GPS लॉगिन, ये हमारी एप्लीकेशन है 99GPS लॉगिन। आप इसको एंड्रॉयड पे इंस्टॉल कर सकते हैं, इंस्टॉल करने के बाद जो आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड है सेम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, और इसके अंदर जाके आप एंड्रॉयड पे, और इसके अंदर आप पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं एप्लीकेशन के अंदर से जाकर, और आपको गाड़ी मूव होती है किस स्पीड में चल रही है सब कुछ बताएगा दोस्तों आपको, जब भी गाड़ी बंद होगी चालू होगी नोटिफिकेशन अलर्ट आएगा, जब भी आपके किसी पर्टिकुलर एरिया से बाहर जाएगी अंदर आएगी आप उसको सेट कर सकते हैं, उसका भी अलर्ट आएगा। और दोस्तों अगर किसी इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको किसी भी तरह की परेशानी आए, तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा काम कम्प्लीट हो चुका है। फाइनली दोस्तों अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो इसमें और हमें कमेंट्स में बताएं, फ्रेंड्स के साथ किसी के पास अगर ये जीपीएस है तो इसके साथ शेयर करें, क्योंकि आपको जीपीएस रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आएगी आप हमारे इस पोर्टल पे आके हमें देख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आएगी। फाइनली दोस्तों अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए हमारा चैनल टेक्नोटेक जीपीएस, आप पे आपको इस पे जीपीएस से रिलेटेड सब चीज़ मिल जाएगी, आप जो भी चीज़ देखना चाहते हैं, जीपीएस कैसे रन करता है, कैसे चलता है। धन्यवाद दोस्तों।